आप रात्रि के समय अपने कक्ष में सोए पड़े हैं, तभी अचानक से एक आवाज हो, वह आवाज आपको कहे, पास में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर बहुत सारा सोना पड़ा है, तुम जाकर वह धन और सोना अपने घर ले आओ, तो क्या आपको यकीन होगा? पहले तो उस बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन यह बात पुनः दोहराई जाए फिर हमें मन में थोड़ा थोड़ा यकीन होगा। पता नहीं बात सच है या झूठ है। ऐसा ही कुछ घटित हुआ भक्त दल्हा सिंह जी के साथ। एक दिन वह रात्रि को विश्राम कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त दल्हा सिंह, नजदीक पहाड़ पर बहुत सारा धन है, उसे अपने घर ले आओ। क्योंकि भक्त दल्हा सिंह बड़े चिंतित थे, उनके घर पर प्रातःकाल अनेक संत भोजन करने आते थे। वह जाति के क्षत्रिय थे, पर उनके मन में कभी भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी। उन्होंने अपना सारा जीवन संत सेवा में समर्पित कर रखा था। एक दिन उनके घर पर अनेक संत पधारे। वह विचार करने लगे, मैं कोई कार्य तो करता नहीं, अब इन संतों को भोजन किस प्रकार कराऊंगा? क्योंकि सर पे पहले ही बहुत सा कर्जा चढ़ा हुआ था। वह शहर में निकले, किसी व्यापारी को कहा, मुझे थोड़ा धन दे दो, मैं थोड़े समय बाद वह धन लौटा दूंगा। व्यापारी ने कहा, पहला तो कर्जा उतारा नहीं है और चला है और धन लेने, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। इस प्रकार प्रातःकाल से दोपहर तक वह भटकते रहे, ना उन्हें धन प्राप्त हुआ, ना ही उन्हें संतों के लिए कुछ भोजन प्राप्त हुआ। वह मन से दुखी हो अपने घर पधारे। तब उनके किसी परिवार वाले ने थोड़ा धन देकर उन्हें कहा, आज तो संतों को भोजन करा दो, पर आगे की व्यवस्था मैं नहीं कर पाऊंगा। दल्हा सिंह जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपने परिचित से वह धन लिया और संतों को भोजन कराया। संत तो भोजन करके प्रातःकाल अपने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए, पर दल्हा सिंह जी के मन में चिंता होने लगी, अब भगवान के भक्त मेरे घर किस प्रकार आएंगे, मैं उन्हें किस प्रकार भोजन कराऊंगा। इसी चिंता में वह मग्न थे, तभी एक परिवार का अन्य सदस्य उनके पास आकर कहने लगा, दल्हा सिंह, मेरे घर के लिए तुमको निमंत्रण है, कुछ दिनों बाद हमारे घर पर कोई कार्यक्रम रखा गया है, उसमें तुम्हें अवश्य आना है और आकर भात भरना पड़ेगा। जब दल्हा सिंह जी को यह बात पता चली, वह विचार करने लगे, किसी संबंधी के पास खाली हाथ जाना ठीक नहीं है, मैं उनके पास क्या लेकर जाऊं। इस प्रकार वह विचार कर रहे थे। विचार करते करते रात्रि को उन्हें नींद आ गई और नींद में उनको स्वप्न में भगवान का आदेश प्राप्त हुआ, दल्हा सिंह, जो तुम्हारे घर के नजदीक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर बहुत सारा सोना और धन दबा हुआ है, उसे अपने घर लेकर आओ। पहले तो दल्हा सिंह को विश्वास नहीं हुआ, पर जब पुनः यह आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी ने कहा, हे भक्त दल्हा सिंह, तुम्हारे घर के नजदीक जो पहाड़ी है, उस स्थान पर बहुत सारा धन और सोना दबा हुआ है, उसे संत सेवा के निमित्त अपने घर लेकर आओ, तुम्हारे घर पर किसी प्रकार धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार भगवान का आदेश मानकर जब प्रातःकाल भक्त दल्हा सिंह की नींद खुली, वह पहाड़ी की ओर निकल गए। पहाड़ी का मार्ग बड़ा दुर्गम था, वह जैसे तैसे करके पहाड़ी पर पहुंचे और परमात्मा के दिए निर्देश अनुसार जैसे ही उन्होंने उस पहाड़ी के स्थान पर कदम रखा, वहां पर उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगे, यह सारा धन लेकर जाना उचित है या अनुचित है। तभी किसी ने आदेश दिया, दल्हा सिंह, यह संत सेवा में लगाना, संत सेवा के निमित्त ही यह धन तुम्हें सौंपा जा रहा है। इस प्रकार भगवान की आज्ञा मानकर भक्त दल्हा सिंह वह धन अपने घर लेकर आए। अब तो बड़ी मात्रा में वह संतों का भंडारा करने लगे। कहते हैं एक बार एक चोर उनका धन चुराकर कहीं भागने लगा। जैसे ही वह नगर से दूर निकला, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, कोई मुझे मार्ग बताए, कोई मुझे मार्ग बताए। तभी किसी ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब वह चोर कहने लगा, मैं चोर हूँ, मैंने भक्त दल्हा सिंह के घर से सामान चोरी किया था। तब उस अनजान व्यक्ति ने कहा, अरे जल्दी से जाकर यह सामान उन्हें वापस देकर आओ,
क्योंकि परमात्मा की कृपा से उन्हें यह धन प्राप्त हुआ था। जल्दी से जाकर उन्हें यह धन वापस देकर आओ और उनसे क्षमा मांग कर आओ, तब तुम्हें नेत्रों की रोशनी पुनः वापस मिलेगी। उस अनजान व्यक्ति की बात मानकर जैसे ही चोर ने विचार किया, मैं यह धन भक्त दलाय सिंह को वापस देकर आता हूँ, तभी उसकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ गई। उसके मन का भाव पुनः बिगड़ गया। वह सोचने लगा, मैं धन चोरी करके जाता हूँ। जैसे ही उसके मन में यह भाव आया, पुनः उसके आंखों की रोशनी गायब हो गई। वह रोते हुए कहने लगा, कोई मुझ पर दया करो, कोई मुझ पर दया करो। पुनः वह अनजान व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ। वह अनजान व्यक्ति कहने लगा, पुनः तुम्हारे मन का भाव बिगड़ गया था, इसलिए तुम्हारे आंखों की रोशनी पुनः गायब हुई है। अब मन से यह निश्चय करो कि तुम दलाय सिंह को सारा सामान वापस देकर आओगे, तभी तुम्हें आंखों की रोशनी वापस मिलेगी। वह चोर कहने लगा, तुम कौन हो? तुम अपने हाथों से पकड़कर मुझे भक्त दलाय सिंह के घर तक पहुंचा दो, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, मैं सारा धन उन्हें समर्पित कर दूंगा। अब वह अनजान व्यक्ति चोर का हाथ पकड़कर भक्त दलाय सिंह के घर लेकर आया। जैसे ही चोर ने भक्त दलाय सिंह के चौखट पर पैर रखा, उसके आंखों की रोशनी पुनः आ गई। अब तो वह रोता हुआ भक्तराज से कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ा अपराध बन पड़ा है। मैंने तुम्हारा धन चोरी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे आंखों की रोशनी चली गई थी, अब मुझे आंखों की रोशनी पुनः वापस मिल गई है। तब भक्त दलाय सिंह ने पूछा, जब तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई तो तुम्हें जंगल से मेरे स्थान तक कौन लेकर आया? तब वह चोर कहने लगा, एक अनजान व्यक्ति बाहर खड़ा है, वही मुझे आपके घर तक लेकर आया था। जैसे ही उस अनजान व्यक्ति को देखने के लिए भक्त दलाय सिंह बाहर गए, तो वह अंतर ध्यान हो चुका था। चोर की बात सुनकर भक्त दलाय सिंह के आंखों में आंसू आ गए। चोर पूछने लगा, महाराज क्या हुआ, आप उसे जानते थे? तब वह कहने लगे, अरे और कोई नहीं, भगवान साक्षात उस व्यक्ति का रूप धारण कर तुम्हें यहाँ तक लेकर आए थे। तुम धन्य हो गए, तुम्हें भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ है। जब चोर ने यह बात सुनी, तब चोर बड़ा जोर से रोते हुए कहने लगा, भगवान मेरे समीप थे, पर कपट के कारण मेरे आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं उन्हें पहचान न सका, मैं उन्हें देख न सका। हे नाथ, हे भक्त राज, अब मैं आपके सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सुधारूंगा। तब भक्त राज ने उसे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। तो ऐसे भक्त वसल भगवान, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं, उन भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।